हाय स्टूडेंट्स, आज हम बनाएंगे थंब प्रिंटिंग। ठीक है, उसके लिए पहले एक बेस हमने ट्री का लिया है, जो मैं ब्रश से ड्रॉ कर रही हूँ। तो आपने एक सिंपल सा ट्री ड्रॉ कर लेना है पहले, और उसके बाद हम थंब इम्प्रेशन से इसको कंप्लीट करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, बस इसमें आपने कलर मिक्सिंग का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने पूरा ट्री एक ही कलर से बना दिया। सो हम सारे डिफरेंट कलर्स का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आपने अपने अपने थंब का यूज़ करना है फॉर पेंटिंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रिएटिव वे ऑफ पेंटिंग, आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। कैसे करना है, हमने पहले हम लाइट कलर से चालू कर रहे हैं, तो मैं अपने थंब पे पेंट लगा लूँगी यूजिंग अ ब्रश। पानी ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़्यादा वाटर ही नहीं चाहिए हमें। ये आप देखो, मैंने पेंट लगा लिया। उसके बाद हमें जैसे भी डायरेक्शन में आपको अपने लीफ चाहिए, आपने वैसे इसको अपने शीट को घुमा घुमा के प्रिंट करना है। जैसे आई एम स्टार्टिंग विद द कॉर्नर, और अभी मेरा पेंट जो है ट्री ट्रंक का, वो थोड़ा सूखा नहीं है, पर आप कोशिश करिएगा कि जब आपकी सूख जाए ट्री ट्रंक, उसके बाद ही आप लीफ बनाएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ जो ये ब्लैक कलर है, ये मिक्स हो जाएगा आपके कलर के साथ, इट कैन बिकम मडी। सो हमें ये नहीं करना है, एंड इट्स वेरी सिंपल। आप देख सकते हो धीरे धीरे आपने सिर्फ थंब का इस्तेमाल करते हुए पूरे पेड़ को आपने क्रिएट करना है। इसमें मैंने येलो यूज़ किया है, मैंने लाइट ग्रीन यूज़ किया है, और डार्क ग्रीन यूज़ करा है। हमारे थंब में बहुत फाइन लाइंस होती हैं, वो लाइंस आपके प्रिंट में आनी चाहिए। इस तरीके से हम पूरा पेड़ जो है धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ग्रीन की जगह कोई और पेड़ कलर का बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप रेड की फैमिली के कलर्स यूज़ कर लीजिए, रेड येलो ऑरेंज, या ब्लू की फैमिली के कलर यूज़ कर लीजिए, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल, लिटिल बिट ऑफ ग्रीन ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट। सो इट्स अप टू यू एंटायरली। कुछ आप थोड़ी सी ग्रास दिखाएंगे, अगेन यूजिंग योर थंब। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू, एंड यू विल डू दिस वर्क फॉर द मंथ ऑफ मे एंड मेक इट इन योर ड्राइंग फाइल्स। थैंक यू सो मच।